ओम साईं राम। आजकल साईं बाबा के नाम पर बड़ी बड़ी चर्चा चलती है। कई कहते हैं साईं बाबा जे थे, साईं बाबा फलाने धर्म के थे और वह जी करते थे, और वह लोग जी नहीं जानते कि साईं बाबा एक फकीर थे। एक सोचने वाली बात है, आज हम देवी देवताओं के हजारों वर्ष पुराने इतिहास को जानते हैं, तो साईं बाबा का इतिहास तो अभी 100 वर्ष का ही है। तो अगर कुछ ऐसी बातें होती तो सबको पता होता। और साईं बाबा ने तो किसी एक धर्म के प्रति कोई बात की ही नहीं, साईं बाबा ने तो सब धर्म के लोगों को अपनाया, सब धर्म के लोगों का भला किया। और वह तो फकीर थे, ना कोई लालच था, ना कोई लालसा थी, सिर्फ एक ही नाम उनके मुख पर था, सबका मालिक एक। और वह इंसानियत को देखते थे, सेवा भाव को देखते थे, सेवा कर्म करते थे। उन्होंने कर्म करने की सलाह दी, सेवा भावना की सलाह दी। तो वो लोग जो मिथ्या बातें करते हैं, धर्मों को बांटने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों में ना आए। साईं बाबा एक संत थे, आज भी लाखों लोगों ने उनके चमत्कार देखे हैं। आज उन्हें दुनिया से गए 100 वर्ष हो चुके हैं, पर आज लोग उनके चमत्कार देखते हैं। तो सनातन धर्म का अर्थ ही यही है, सब धर्मों की आदर करना। सनातन का अर्थ है हर धर्म हर मजहब का सजदा करना, उसे सनातनी कहते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, सभी देवताओं कर्म करने को ही कहा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, भगवान श्री राम ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो आज वो लोग जो धर्म के ऊपर राजनीतियां करते हैं, धन के लालसा रखकर लोगों को भड़काते हैं, ऐसे संतों से बचें। और जो आपके मन को अच्छा लगे, जिसके प्रति आप श्रद्धा रखें, उसी को ही पूजें। सिर्फ अपने दिल और मन और आत्मा की सुने, जिस भी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा हो आप उसे ही पूजें, उसमें ही आपको सब 33 करोड़ देव देवता दिख जाएंगे, उसकी ही पूजा करें, उसमें ही चमत्कार दिख जाएंगे। जय श्री राम, जय साईं बाबा।